सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, सभी फिल्म इंडस्ट्री में रोमांटिक फिल्में दिखाई जाती हैं और लोग लव स्टोरी से भरपूर रोमांटिक फिल्में भी देखना पसंद करते हैं। आज के समय में अधिकतर फिल्मों में रोमांटिक सीन डाले जाते हैं। अगर आप भी रोमांटिक फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आज हम आपको हॉलीवुड की 5 रोमांटिक फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जो कि लव स्टोरी और रोमांस से भरपूर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है 50 शेड्स फ्रीड। ये फिल्म 9 फरवरी 2018 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में क्रिश्चियन ग्रे और अनास्तासिया स्टील नामक युगल जोड़ी की लव स्टोरी को दिखाया गया है, जिसमें दोनों की शादी होती है और फिर दोनों अपनी रोमांटिक ज़िंदगी बिताते हैं। इस फिल्म में रोमांस को ज़्यादा जागृत किया गया है, साथ ही अपनी जीवन शैली को भी प्रदर्शित किया गया है। इसके मुख्य किरदार में जामी डोरनान और डोकाटा जॉनसन हैं। नंबर 2 पर है द ब्रेकअप। ये फिल्म 2 जून 2006 को आई थी। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में जो ब्रुक और गैरी नाम की एक लड़की की कहानी है जो कि बस ड्राइवर रहती है और दोनों में धीरे धीरे प्यार बढ़ता है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आने के लिए एक जगह रूम मेट बनने पर सहमत होते हैं। इस फिल्म में भी रोमांस को बखूबी दिखाया गया है। इसमें प्रिंस जॉन और जेनिफर एनिस्टन लीड रोल में हैं। नंबर 3 पर है रूम इन रोम। ये फिल्म 7 मई 2010 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी में दो यंग लड़कियों की मुलाकात रोम में हॉलीडे के दौरान होती है। दोनों एक रूम में एक रात बिताने के लिए कमरा किराए पर लेती हैं और तब शुरू होती है दोनों के बीच का रोमांस का अनूठा खेल। साथ ही दोनों एक दूसरे से अपनी स्टोरी भी शेयर करती हैं। बाद में दोनों एक दूसरे से अलग होकर चली जाती हैं। ये फिल्म बहुत ज़्यादा रोमांटिक और इमोशनल फिल्म है। इसके मुख्य भूमिका में नताशा यारोवेंका और इलेना अनाया हैं। नंबर 4 पर है द नोटबुक। ये फिल्म 25 जून 2004 को कनाडा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी एक लड़की पर आधारित है जिसे भूलने की बीमारी रहती है और वह अपने प्रेमी पति को भूल जाती है, और जब उसे अपनी प्रेम कहानी और बाधाएं सुनाई जाती हैं तब उसे थोड़ा थोड़ा याद आता है। इसकी कहानी में बहुत ज़्यादा इंटीमेट सीन शामिल किया गया है। ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक फिल्मों की कैटेगरी में आती है। इसके मुख्य कलाकार रयान गोसलिंग और राचल मैक अडेमस हैं। नंबर 5 पर है बेसिक इंस्टिंक्ट 2। ये फिल्म 31 मार्च 2006 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म को भी सबसे ज़्यादा रोमांटिक फिल्मों में शामिल किया गया है। अगर आप भी ये फिल्म नहीं देखा है तो कुछ नहीं देखा। फिल्म की कहानी को थोड़ा सा ज़्यादा रोमांचकारी बनाया गया है ताकि लोगों को और ज़्यादा पसंद आए। इसके मुख्य किरदार शरोन स्टोन और डेविड मोरिस से हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो ये आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।